हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नवे चैनल पर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स की सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें हम एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, सीजीएल और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। यह पार्ट 11 है और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोगों ने जाकर जरूर देखिए, जिससे कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकें। और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें और आप उन्हें सबसे पहले देखकर उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब सबसे पहले दे सकें। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201। इससे पहले हमने अभी तक पूरे 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है पार्ट 10 तक। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, यानी अमरकोट के फोर्ट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर है, जो कि 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट सिंध यानी कि पाकिस्तान को पहले सिंध बोला करते थे, तो सिंध के अमरकोट में हुआ था। और इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से सम्राट हैं जो कि अशिक्षित थे, उनका नाम भी अकबर ही था। तो अकबर जी अशिक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 202। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 203। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। और एग्जाम्स में नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी आपसे पूछ लिया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 to 140। क्वेश्चन नंबर 204। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो उसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में रेड बोन मैरो में होता है, जो कि लिवर का एक मेन पार्ट होता है। लिवर की एक साइड में आरबीसी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और विटामिन B12 में 2-5 मिलीग्राम तक आरबीसी के उत्पादन में इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 206। किस देश ने हाल ही में निर्यात और वित्तीय लेन देन के लिए चीन की मुद्रा युआन का इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान ने हाल ही में निर्यात और वित्तीय लेन देन के लिए चीन की मुद्रा युआन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जिसे 1970 में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिष्ठा में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 208। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 209। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत की कोकिला पोइट सरोजनी नायडू जी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 210। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी इनांट हैं। क्वेश्चन नंबर 211। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 22। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 212। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल? तो विटामिन डी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 214। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का केमिकल नेम NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 215। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, एस्कोर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 216। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का खून नहीं रुकता है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और लेकिन इस बार क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया तो इसलिए आपको बताना जरूरी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी से खून का धक्का नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 217। दूध में
कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो विटामिन सी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये मेजर कंपोनेंट नहीं होता है। तो मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके विटामिन डी, जो कि फैट सोल्यूबल यानी वसा सोल्यूबल होते हैं। तो इसलिए विटामिन सी को दूध का मेजर कंपोनेंट नहीं माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 218, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, विश्व में अभ्रक यानी मायका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में मायका का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 220, द चेस के कितने देश सदस्य हैं? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 200 का, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। इस क्वेश्चन का जवाब भी दीपक जी ने ही राइट दिया और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज के साथ जुड़े रह सकें। और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें और आप उन्हें सबसे पहले देखकर उनमें पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकें। इसी प्रकार से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।